मैं शायरी न अल्फाज लिखता हूँ, मैं दर्द लिखता हूँ। न मैं किस्से न मैं शायरी न अल्फाज लिखता हूँ, मैं दर्द लिखता हूँ। और कुछ सुने कुछ अनसुने कुछ अपने लिखता हूँ, मैं दर्द लिखता हूँ। और मैं शायर मैं कवि मैं खुद के और लोगों के हालात लिखता हूँ, मैं दर्द लिखता हूँ। अनजान सी जिंदगी से कोई मेरी पहचान कराए तो मानूं। अनजान सी जिंदगी से कोई मेरी पहचान कराए तो मानूं। और चिंगारियों के बाजार में कोई बारूद का गुब्बारा उड़ाए तो मानूं। पीठ पीछे आजकल तो खंजर सब मारते हैं। कोई मेरे दुश्मन को इत्तला करके दिखाए तो मानो। और रंग बिरंगे पेड़ हैं एक से एक दुनिया में। आपने जितने भी आसपास देखते हैं एक से एक पेड़ हैं रंग बिरंगे दुनिया में, अलग अलग फूल हैं, कलर हैं। तो उसको कुछ मैंने ऐसे पिरोया, ऐसे लिखा है कि रंग बिरंगे पेड़ हैं एक से एक दुनिया में, कोई खुद रंग होकर दिखाए तो मानो। और नदी नहर झरनों का पानी सबने पिलाया है मुझे। नदी नहर झरनों का पानी सबने पिलाया है मुझे, कोई खारे समंदर से मेरी प्यास बुझाए तो मानो। और जैसे आजकल आप देख रहे हैं जितना डेवलप हो रहा है इंडिया, तो उतनी ना डेवलप नफरत भी हो रही है। हर जगह नफरत फैल रही है। आप जितना भी आप कंस्ट्रक्ट हो रही है बिल्डिंग्स, तो बराबर में नफरत भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो उसी में मैंने ऐसे लिखा है कि कोई रिश्ता भले बचा नहीं नफरत के निशाने से। कोई रिश्ता, भैया गौर फरमाइएगा कि कोई रिश्ता भले बचा नहीं नफरत के निशाने से, कोई माँ को नफरत करना सिखाए तो मानो। तो और बड़ा आसान है रेगिस्तान के टीले को नस्ते नाबूद करना। रेगिस्तान का टीला होता है ना, हम जाते हैं तो टीला जो होता है, कि बड़ा आसान है रेगिस्तान के टीले को नस्ते नाबूद करना, कोई हिमालय को हिलाकर दिखाए तो मानो। और एक पर्सन ना आपकी लाइफ में, मतलब सबके लाइफ में आता है वो पर्सन, वो सबको समझाता फिरता है, कह रहे नहीं भाई ऐसे नहीं। तो उसको भी उस पर्सन को और उस सिचुएशन को मैंने ऐसे लिखा है कि सारे जमाने को समझाता फिरने वाले कभी अपने मन को समझाए तो मानो। और जैसे आपने देखा होगा आपके अच्छे वक्त में तो सब लोग आते हैं, लेकिन बुरे वक्त में लोग नहीं साथ होते। तो उसका मैंने ऐसे कुछ लिखा है कि मेरे अच्छे वक्त में मेरे मेहमान मेरे दोस्त देखो हैं कितने। मेरे अच्छे वक्त में मेरे मेहमान मेरे दोस्त देखो हैं कितने, कोई बुरे वक्त में चाय पीने आए तो मानो। ये चंद लाइन लास्ट ऐसा है कि हम आप जब भी टूटे तारा में हम टूटा तारा देखते हैं तो उससे दुआ मांग लेते हैं आँख बंद करके। एक मिथ है या जो भी एक लोगों की भावना है, तो उस पर ऐसा लिखा था मैंने कि बड़ा आसान है बड़े शौक से मांगते हो दुआ टूटते तारे से, कोई एक तारा आसमान में लगाकर दिखाए तो मानो।